सब्सक्राइब कीजिए नेहा की पाकशाला चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और हम सभी को गर्मी के मौसम में नींबू मसाला सोडा पीना बहुत ही बढ़िया लगता है और ये हमें गर्मी से बहुत ही ज्यादा राहत भी देता है, और खासकर अगर इसको खाने के बाद पिया जाए तो खाना बहुत ही अच्छे से हजम भी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ नींबू मसाला सोडे के प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप मिनटों में पूरी गर्मी नींबू मसाला सोडा आराम से घर पे ही बनाकर पी सकें, कहीं भी बाहर आपको जाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन नेहा की पाकशाला में, और चलिए हम नींबू मसाला सोडे का प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। नींबू मसाला सोडे का प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो जगह चार चार चम्मच जीरा लिया है। इसमें से एक पोल के जीरे को हमको भूनना है और एक को कच्चा ही इस्तेमाल करना है। चार चम्मच चाट मसाला, दो चम्मच काली मिर्च, चार चम्मच काला नमक, एक छोटी चम्मच अजवाइन, दो चम्मच सफेद नमक, यानी कि जितना काला नमक लेंगे उसका जस्ट हाफ हमें सफेद नमक लेना है, और एक छोटी चम्मच हींग। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और जो दो जगह हमने जीरा लिया था उसमें से हम एक बोल का जीरा कढ़ाई में डालेंगे, साथ ही में ये अजवाइन भी डाल देंगे। गैस को मीडियम लो रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक और बढ़िया सी खुशबू आने तक हम जीरा और अजवाइन को भून लेंगे। भुने हुए जीरे का और कच्चे जीरे का दोनों का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इस नींबू मसाला सोडे के प्रीमिक्स में हमें कच्चे जीरे का और भुने हुए जीरे का दोनों का इस्तेमाल करना है। अजवाइन और हींग, ये दोनों चीजें हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, इसलिए मैं इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ। जीरा और अजवाइन हल्का हल्का भुन गया है और इनसे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो इसमें बीच में हम इस तरीके से थोड़ी सी जगह बना लेंगे और जो हमने हींग ली है उसको हम इसमें डाल देंगे और हींग को लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। हींग भी अच्छे से भुन गई है, तो इन सारी चीजों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इनको हम एक बोल में निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जो हमने जीरा, अजवाइन और हींग ड्राई रोस्ट किया था वो ठंडा हो गया है, तो इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे। ये जो कच्चा जीरा है इसको भी साथ ही में डाल देंगे मिक्सर जार में। साबुत काली मिर्च, चाट मसाला, काला नमक और सफेद नमक भी डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को पीस कर हम इनका एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। सारी चीजों को हमने एकदम बारीक पीस लिया है, तो इसको हम एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। और ये जो हमारा नींबू मसाला सोडे का प्रीमिक्स तैयार हुआ है, इससे इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि एक बार आप इसको बना करके इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर कभी भी नींबू मसाला सोडा पीने बाहर नहीं जाएंगे। नींबू मसाला सोडे का हमारा प्रीमिक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पहले हम सारे गिलासों में आइस क्यूब्स डाल देते हैं। अगर आप आइस क्यूब्स न डालना चाहें तो आप ठंडे पानी का या फिर ठंडे सोडे का इस्तेमाल करें। आइस क्यूब्स डालने के बाद हमने ये जो नींबू मसाला सोडे का प्रीमिक्स बनाया है वो सारे गिलासों में डालेंगे दो छोटी चम्मच, यानी कि 2 टीस्पून पर ग्लास। और इस एक गिलास में हम 2.5 टीस्पून नींबू मसाला सोडे का प्रीमिक्स डालेंगे। अब सारे गिलासों में एक एक नींबू का रस डालेंगे, यानी कि हर गिलास में एक नींबू का रस डालना है। और जिस गिलास में हमने 2.5 टीस्पून नींबू मसाला सोडे का प्रीमिक्स डाला है उसमें हम 2 टेबलस्पून शुगर भी डालेंगे, तो जो इसका फ्लेवर आएगा वो थोड़ा खट्टा मीठा आएगा। अगर आपको सोडा पसंद नहीं है लेकिन आप खट्टा पसंद करते हैं तो आप ग्लास में सिंपल ठंडा पानी डालिए। अगर आपको थोड़ा सा सोडा पसंद है तो आप ग्लास को आधा पहले पानी से भरिए, फिर ऊपर से सोडा डाल दीजिए अगर आपको सोडा और खट्टा दोनों पसंद है तो आप ग्लास में केवल सोडा डालिए। और ये जो लास्ट वाला है जिसमें कि हमने शुगर भी डाली थी उसमें हम केवल सोडा डाल रहे हैं। आप चाहें तो आधा सोडा और आधा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने पर हमने जिस जिस ग्लास में सोडा डाला था वो थोड़ा सा खाली हो जा रहा है,
तो हम उसमें ऊपर से सोडा डाल देंगे। ये जो लास्ट वाला ग्लास है जिसमें हमने शुगर डाली थी, पहले उसमें शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्लास थोड़ा सा खाली हो गया है, तो इसको भी हम सोडे से भर देते हैं। तो ये मैंने आपको चार तरीके से नींबू मसाला सोडे के प्रीमिक्स को इस्तेमाल करना बताया है। ये पीने में बहुत ही बढ़िया लगेगा और आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा। और ये जो नींबू मसाला सोडे का प्रीमिक्स है, इसको आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भरकर आराम से 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप रूम टेम्परेचर पर ही इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप इस नींबू मसाले सोडे के प्रीमिक्स को बनाइए और इसको इस्तेमाल करके अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।